चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे लाइफ प्रोसेस में। लास्ट हम लोगों ने देखा था इंजेशन लास्ट एपिसोड में, उसके बाद देखा था डाइजेशन, आपको 3D मॉडल दिखाया था हम, उसमें हमने देखा। अब हम लोगों के पास था रेस्पिरेशन, और ये सारे के सारे लाइफ के प्रोसेस। बिना रेस्पिरेशन के जिंदा रह सकते हम? नहीं रह सकते, तो उसी को जानना। रेस्पिरेशन क्या है? तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है हमारी बॉडी में जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है? एनर्जी रिलीज। कैसे होता है? तो जब हम कोई खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में जाता है वो खाना, डाइजेस्टिव सिस्टम में पता चला था हम लोग कई बार। स्टमक में जाने के बाद खाना, अब जब हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, पता नहीं किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जब ऑक्सीजन जाता है खाने के संग मिलता है तो खाने को बर्न करता है। क्या करता है? बर्न करता है। बर्न करने से क्या प्रोसेस होता है? खाना पक जाता है तो हम उसको खाते हैं। ऐसे ही हमारे बॉडी में जब खाना बर्न हो जाता है तो वहां प्रोड्यूस करता है वो एनर्जी। क्या प्रोड्यूस करता है? और वो एनर्जी हमारी बॉडी उसको क्या कर लेती है? ऑब्जर्व करके बॉडी के हर एक पोर्शन क्या कर लेती है? छोड़। तो ये है पूरा सिस्टम रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में मेन क्या था? एनर्जी। और एनर्जी की बात हम लोग लास्ट टॉपिक किए थे कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब हमारे बॉडी में एनर्जी दो तरीके से बनती है, एक एडीपी से एक एटीपी से। अब होता क्या है कि कभी गौर करना कि जब बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, तो ये बहुत ज्यादा भूख लगी होती है और आप पहला निवाला जो ही मुंह में डालोगे उसके बाद तो आप कुछ के गया एक वाला हिस्सा आप खाना खाने से पहले की स्थिति से और एक निवाला खाने के बाद दोनों में परिवर्तन होता है। खाना खाने से पहले स्थिति में तो आप कैसे थे? बिल्कुल ऐसा महसूस होता कि एकदम खाने में मर जाएंगे, लेकिन जो ही एक निवाला अंदर गया तो ही आपके अंदर थोड़ा लगा कि हाँ थोड़ा सुकून मिल रहा है, ऐसा लगता है। कभी गौर करना वो किस वजह से होता है। तो हमारी बॉडी में क्या बनता है? एनर्जी। अब तुम सोचोगे कि अभी सही से पेट में गया है क्या तुरंत जादू की छड़ी फट से घूमी और एनर्जी प्रोड्यूस हो गया? ऐसा नहीं है, क्योंकि एनर्जी को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक एडीपी में एक एटीपी में। एडीपी को कहते हैं शॉर्ट टर्म एनर्जी। क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी बहुत जल्दी आ जाए, तुरंत आ जाए, उसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं। जब हमारे शरीर में खाना जाता है तो सबसे पहले कौन सी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है? एडीपी एनर्जी, शॉर्ट एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ताकि आपके जितने भी बॉडी में मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, जो खाने की कमी से दिक्कत में चल रहे थे, जल्दी से वो फिर से क्या हो जाए? एक्टिव हो जाए, है ना। जब बहुत ज्यादा भूख लगी होती है और आप पेट से थोड़ा कम या पेट के अप्रोक्स खाना खाते हो तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। जब पेट से ज्यादा खाना खाते हो तो नींद आने लगती है, होता है ना। तो बस यही सीन है, क्योंकि जो ही कब खाना खाओगे क्या प्रोड्यूस होगा? एडीपी, 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 बहुत ज्यादा एडीपी हो जाएगा। फिर आप ऐसा लगेगा कि अभी जब सोचो कि कभी यहाँ पे कभी कोई, सभी लोग भूखे रहे हैं कभी? Yes, sir. भूखे रहने पे ऐसा लगता है कि जैसे कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? नहीं, भूखे लगने पे कुछ को नींद आती है, बेचैनी टाइप। भूख लगने के बाद बेचैनी रहती है, कब कुछ मतलब अगर एक घंटा भूखे तो ठीक है, अगर 10 घंटे की भूखे तो कुछ मिल जाए, एकदम रूखी सूखी भी मिल जाए वो भी हम खा जाएंगे। एक वो स्थिति क्यों? क्योंकि तुम्हारे बॉडी का सेल डिमांड कर रहा है क्या? एनर्जी। क्या डिमांड कर रहा है? एनर्जी। क्योंकि हमारे बॉडी को सेल को ये नहीं पता है कि आप क्या खा रहे हो, मोमो खा रहे हो कि मैगी खा रहे हो कि खाना खा रहे हो, उसको किससे मतलब है? एनर्जी। एनर्जी से। क्योंकि हर एक फूड क्या देती है बॉडी में? एनर्जी देती है। ये तो हमें, हमारे जुबान को, हमारी आंख को, हमारे दिमाग को पता होता है कि हम क्या खा रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स को नहीं पता। हमारे ऑर्गन्स को ये पता है, खाना आया ढकचिक जो है स्टमक, उसके काम है एसिड छोड़ के सबको मिला, उसके काम मिलाएगा। लीवर काम है बाइल जूस छोड़ना, वो छोड़ेगा। कभी ऐसा तो नहीं कहेगा आज मेरा छुट्टी है संडे हम नहीं छोड़ेंगे आज बाइल जूस,
ऐसे कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं सुना। तो सब कुछ सिस्टमेटिक है, आप क्या खाए, मैगी खाए, खाना खाए जो दाल चावल रोटी सब्जी होती है, पौष्टिक चीज खाए, ये किसको मारता है? ब्रेन को। और वैसा ब्रेन अंदर का सिस्टम क्या करता है, डेवलप करता है। आप फास्ट फूड खाओगे तो पता ना, फास्ट फूड पचाने में ज्यादा समय लगता है, लास्ट वाले पार्ट में उसको देखा था 18 घंटे 20 घंटे लग जाते हैं। तो जब 18-20 घंटे तक कोई मशीन काम करेगी तो क्या उसकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी रह जाएगी, ये बताओ। और सोचो कि जब हम खाना खाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी, वो मैक्सिमम 2-3 घंटे में खलास, सारे के सारे सिस्टम अपना काम कंप्लीट करके हो गया भाई, कंप्लीट, ओके कर मोहर लगा देते हैं। और सोचो फास्ट फूड को 18 घंटे से लगे हुए मर मर के किए जा रहे हैं। अब सोचो कि वही बात है, 2 घंटे की हम लोग पढ़ाई करते हैं, 2-3 घंटे की, उतने में ही आप लोग की स्थिति ये हो जाए। Yes, sir. सोचो 5 घंटे पढ़ना होता तो कैसा महसूस लगातार दिक्कत होती? यही सेम चीज हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को होती है, लेकिन कभी आज तक केयर किया नहीं करते हैं लोग। जन मिलता है तन भकोस लेते हैं, लेकिन पेट नहीं भरते हैं ना, मन भरने की कोशिश करते हैं। समझा? क्या भरने की कोशिश करते हैं? मन, क्योंकि पेट तो भर जाता है, मन कभी नहीं भरता। हम उस चीज के पीछे भागते हैं जो चीज कभी पूरी नहीं हो सकती। मन कभी कंप्लीट हो सकता है? नहीं। आज आप सोचोगे ना कि आज शाम को हमको पनीर मिल जाता, ठीक, पनीर मिल गया ना, अब नहीं ये सोचोगे ना हमको पिज्जा मिल जाता, पिज्जा मिल गया, अभी तो सब कुछ मिल जाएगा, मनवा तो वो घटवे नहीं करेगा, बढ़ते जाएगा। फिर कहोगे मनवा लगवे नहीं कर रहा है कि नहीं? चले, तो एडीपी कैसी एनर्जी है बेटा? शॉर्ट एनर्जी है, ठीक, वो जल्दी प्रोड्यूस होती है, जहीं खाना खाओगे तहीं प्रोड्यूस होने। एटीपी कैसे एनर्जी है? लॉन्ग एनर्जी, लॉन्ग का मतलब लॉन्ग टाइम, ठीक है। जैसे हम अपने घरों में 1 साल के लिए अनाज रखते हैं खरीद के ड्रम में भर भर के, जैसे गेहूं चावल रखते नहीं रखते हैं, जस्ट लाइक एटीपी है, ठीक। तो एटीपी क्या है? हमारे बॉडी में लॉन्ग टर्म की एनर्जी है, ठीक है। जैसे खाना खाया तो उस समय हमको सही रखने का जिम्मेदारी किसका है? एटीपी का। और एटीपी क्या है कि सुबह खाना खाया 8 बजे, अब एक ही बार जब सपोज तुम खाना खा रहे हो शाम को 8 बजे, यानी 12 घंटे बाद, 12 घंटे तक कैसे तुम सही रहे, वो किसकी जिम्मेदारी है? समझा? अब हमारी बॉडी में एडीपी का मतलब क्या होता है? एडेनोसिन डाई फॉस्फेट, ठीक है, ये एडीपी का फुल फॉर्म है। और एटीपी एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, हाँ। तो एक चीज गौर करो, इसमें 2 मॉलिक्यूल और इसमें 3 मॉलिक्यूल, तो एटीपी हमेशा टूटता है किसमें? एडीपी में, तभी तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। जैसे सबसे पहले हम अपने घरों में ड्रम भर भर के चावल गेहूं रख लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा, मम्मी लोग क्या करते हैं, घर में छोटा सा ड्रम रखती है, छोटा सा, उसमें से एक ड्रम भर के निकाल के रख लेती है और उसी में थोड़ा 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 यूज करती हैं, जब कम हो जाते हैं तो फिर जाती है ड्रम में। ऐसा तो है नहीं कि डेली जाती हैं ड्रम में से निकाल के लेके बनाती हैं, ऐसा नहीं है ना। सेम हमारा ये एनर्जी है, एडीपी है, एटीपी है, एटीपी ड्रम है, एडीपी छोटा सा जिसमें से हम डेली यूज करते हैं, तो हमेशा हमारी बॉडी यूज करती है। एटीपी सबसे पहले टूटता है छोटे छोटे फॉर्म में, ठीक है, छोटे 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 करके। समझा? किसी को कोई इस पॉइंट पे दिक्कत है तो बताओ। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन में हम लोग 2 बातें समझेंगे, एक रेस्पिरेशन और एक ब्रीदिंग। अभी मैंने रेस्पिरेशन की चर्चा करी, वो क्या है? द प्रोसेस इन विच आवर बॉडी प्रोड्यूस या कंज्यूम या प्रिपेयर द एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और दूसरा क्या है? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब बचपन में पता था कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम चीज है, लेकिन अभी पता चला कि रेस्पिरेशन अलग है और ब्रीदिंग अलग है। ब्रीदिंग मतलब
ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला, सिंपल ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन का मतलब जब ऑक्सीजन लिया तो खाना अंदर डाइजेस्ट हुआ, खाना डाइजेस्ट हुआ तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो बनी क्या, एडीपी और एटीपी। समझा बोलो। तो बेटा इनका भी कुछ अमाउंट होता है प्रोड्यूस, ठीक है, इनका भी क्या है अमाउंट, कुछ अमाउंट है जिसमें जो एटीपी होता है उसका अमाउंट ज्यादा होता है, एडीपी का अमाउंट कम होता है। क्यों? क्योंकि फिर बाद में एटीपी टूट के एडीपी ही बनता है, समझे। इसका अमाउंट ज्यादा होता है इस वाले का, और इसका अमाउंट थोड़ा सा कम होता है। क्यों? क्योंकि ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने कुछ खाया, एनर्जी बनी हमारे बॉडी में, मैंने पढ़ाया, एनर्जी खत्म, तो फिर क्या इसी में इसी समय गिर के मर जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगी, एटीपी जो मैंने मेरे बॉडी में पड़ी हुई है सुबह का खाना का, वो धीरे धीरे क्या बनेगी, एटीपी बनेगी, फिर मैं उसको धीरे धीरे यूज करता हूँ। समय लेकिन एक चीज है, जब एटीपी खत्म होने लगता है, जब हमारे जैसे ड्रम के अंदर चावल या गेहूं सबसे निचले स्तर पहुंच जाता है, तो घर में जो मम्मी लोग होती है वो पापा से बोलती है कि अब घर में अनाज खत्म होने वाला है। तो कब खत्म बोलती है, एकदम खत्म हो जाता है तब? नहीं, जब कम से कम 10-15 दिन का खाना बचा होता है अनाज, तब बोलते हैं। जस्ट लाइक अवर बॉडी, हमारी बॉडी हमें कब एहसास कराती है कि हमें एनर्जी की आवश्यकता है, एकदम खत्म होने पे? नहीं, जब हमारे पास अभी भी जलते हो और तुमको एकदम खतरनाक भूख लगी है, खतरनाक, ठीक है, तभी तुमको किडनैप कर लिया गया। लेट्स सपोज ठीक, किडनैप कर लिया गया, तुमको 2-3 दिन तक भूखा रखा गया, तुम मरोगे नहीं, तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगी बॉडी की, एकदम तुम चल नहीं सकते, लेकिन मरोगे नहीं। यानी कि तुम नहीं मरे 2-3 दिन तक, क्या मतलब, इसका मतलब कहां से सब एनर्जी है तुमको जिंदा रखने के लिए? वो जो मम्मी बचा के रखती है ना आखिरी टाइम के लिए, कि जब तक पापा लोग अनाज लेके आएंगे तब तक वो अनाज क्या रहता है, चलता रहेगा। नेक्स्ट बेटा ब्रीथिंग हम यार, इन और आउट CO2। ओके, उसके बाद रेस्पिरेशन बेटा कितने तरह के हो, कौन कौन से, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन हो, यानी जो भी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो भी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है उसको क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट, ये सब कौन सा रेस्पिरेशन कर रहे हैं, एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड एरोबिक वाले, तो आपने कभी सुना है दारू, अल्कोहल प्रिपेयर होता है किस प्रोसेस पे होता है, एंड एरोबिक। कैसे होता है, एंड एरोबिक, क्योंकि उसको ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या किया जाता है, सड़ाया जाता है, क्या किया जाता है, सड़ाया जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन, क्या बोलते हैं इसको, फर्मेंटेशन। द फर्मेंटेशन द प्रोसेस इन विच इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, नोन एज फर्मेंटेशन और कन्वर्जन इनटू अल्कोहल, यानी अल्कोहल फॉर्मेशन, सिंपल सी बात है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एक और है, जैसे जो धावक होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं, या जिम पर्सन होते हैं, जब वो करते रहते हैं, बहुत ज्यादा जिम कर लेते हैं या बहुत ज्यादा दौड़ लेते हैं ना, तो पैरों में दर्द होने लगता है। और दर्द ऐसा नहीं होता है कि हड्डी टूट गई, ऐसा दर्द नहीं होता है, लगता है ना कि खिंचाव आ रहा है, जिसको बोलते हैं क्रैम्प। क्या बोलते हैं उसको, क्रैम्प। कभी कभी नॉर्मल लोगों को मिलता है रात को सोते समय, कभी कभी रात को सोते समय पैर को ज्यादा स्ट्रेच करोगे ना, तो ये पीछे वाले काफ में क्या हो जाएगा, वो क्रैम्प पड़ जाता है, और क्रैम्प पड़ता है तो छटपटा जाते हो, गरई नहीं आती होता है ना, फिर फूट के तुरंत मलना शुरू करते हो, है कि नहीं। ये जो क्रैम्प शब्द है ना, वो आया किसकी वजह से बेटा,
क्योंकि एन एरोबिक का मतलब यहाँ पे अभी ऑक्सीजन जा रहा था, जो ही आपने स्ट्रेच किया यानी ऑक्सीजन से ज्यादा काम ले लिया तो वहां ऑक्सीजन बंद, अब वहां पे क्या बन रहा है CO2, और CO2 की वजह से वहां पे क्या हो रहा है फॉर्मेशन हो रहा है एक एसिड का जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। क्या नाम है उसका? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड नहीं बने ना तो आपको एक अजीब सा क्रैम्प महसूस होगा, ठीक है? अक्सर जो खिलाड़ी होते हैं प्लेयर्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा होता है, ठीक है? सुने होंगे कि एक खिलाड़ी को खेलते खेलते क्रैम्प आ गया, उसको रिटायर हट करके रूम में भेज दिया गया, होता है ना, वो क्रैम्प आ जाते हैं कभी कभी मौसम की वजह से भी आ जाते हैं। बाहर बहुत गर्मी हो रही है और चलते चलते आपकी मांसपेशी खिंच गई लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो गया, तुरंत क्या आ गया? This is known as anaerobic respiration. कोई डाउट है बेटा इसमें? किसी को भी पूछो कोई डाउट है तो। ये हिंदी कैसे पढ़ता है? हाँ? जो पैर में जो करंट टाइप का होता है वो कैसे होता है? झिंझी नहीं बोला था? झिंझी नहीं, वो होता है जब आपका ब्लड फ्लो रुक जाता है। जैसे क्या होता है ना कि मान चलो कि आपका जैसे ये हाथ है यहाँ पे रस्सी बांध, रस्सी बांध दिया गया तो क्या ब्लड फ्लो हो रहा है आगे? नहीं हो रहा, तो ब्लड फ्लो रुक गया। अब कुछ देर बाद जब इसको खोला जाएगा ना तो ब्लड सडन फ्लो करेगा। सडन फ्लो जब ब्लड करता है ना तो पता है ना कि अब वहां पे कुछ नहीं था, एकदम तनिक्यू नहीं था, ठीक है? तो ब्लड में क्या होता है आयंस होते हैं, जब आयंस खाली जगह में फ्लो करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? करेंट टाइप निगेटिव क्या प्रोड्यूस करते हैं? तबीयत तेरा खराब हो रहा है, माथे में कचरा हुआ है। अच्छा हाँ, यू आर गुड, यू आर एक्सलेंट, और कुछ डाउट है? नहीं ना बेटा, किसी को कोई है सवाल तो पूछ लो। चलो एक और चीज की बात बताते हैं हमको आपको कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना उस समय जो एनर्जी बनती है वो बनती है 38 एटीपी। कितनी बनती है? और जब एनएरोबिक होता है उसमें कितना बनता है? 2 एटीपी। बताओ कौन सा ज्यादा है? 38। इसीलिए हम ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। और इस वाले केस में क्या होती है एनर्जी बनती है पर इतनी कम कि पत्ते नहीं चलता है। क्लियर है? नेक्स्ट है एक और यहाँ पे सवाल बन सकता है यहाँ पे कि जो चीता होता है चीता वो ज्यादा समय तक क्यों नहीं दौड़ सकता है? तो सबसे फास्टेस्ट पर ज्यादा देर तक नहीं दौड़ता है, उसका अंदर एटीपी नहीं बनता है, नहीं ऐसा नहीं है। जब ज्यादा देर तक दौड़ जाएगा ना तो उसके शरीर में से ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, और जब घट जाएगी तो फिर लैक्टिक एसिड बनने लगेगा और वो दौड़ते दौड़ते मर जाएगा हार्ट अटैक से। समझ आया? तो क्या होगा? दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक से मर जाएगा और सेवा समाप्त, ठीक है? समझ आया? तो ये था हम लोगों का पूरा क्रैम्प कॉन्ट्रैक्शन। कोई डाउट है इसमें किसी को? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये वाला पार्ट वेयर कंप्लीट। अब बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। छोटा है रेस्पिरेशन प्लांट क्या है? तो रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट में रूट लीव्स और स्टेम्स ये तीन जगह से रेस्पिरेशन होता है। कौन कौन से? रूट लीव्स और स्टेम्स। किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन। पता है डिफ्यूजन? नहीं पता? द मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। चलो तो डिफ्यूजन एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से जो प्लांट होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन देता है। सर CO2 लेता है ना? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना? प्लांट CO2 लेता है ना? इस पे भी हम लोग चर्चा बताएंगे आपको, इस पर बात करेंगे, ठीक है? अभी जो गैसेस है वो लेता है, क्लियर? अच्छा, तो रूट्स लीव्स और स्टेम्स। एक बात आपको बताऊं, प्लांट CO2 लेता है
वो तब लेता है जब उसको फोटोसिंथेसिस करना होता है, जब उसको खाना बनाना होता है तब वो CO2 लेता है, जब उसको खाना नहीं बनाना होता तो जिंदा नहीं रहना है, क्या लेगा उसका? ठीक है, तो उसके पास कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, दोनों चीज लेता रहता है, लेकिन वो इतना ज्यादा देता है ना O2 कि CO2 का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं बहुत ज्यादा O2 निकालता है प्लांट अपने अंदर से। तो रूट से लेता है बाय डिफ्यूजन, लीफ से लेता है बाय डिफ्यूजन, और स्टेम से लेता है बाय डिफ्यूजन। अब सोचो कि इतने जगह से क्यों लेता है, केवल लीफ से क्यों लेता है? क्यों? क्योंकि प्लांट का साइज बहुत बड़ा होता है, ट्री का साइज क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। और अगर डिफ्यूजन जो प्रोसेस है बहुत स्लो है, जैसे अगर इस रूम में हम यहाँ अगर बत्ती जलाएं तो आधा घंटा बाद हमको उस कोने में महक मिलेगी, और इस स्पीड से अगर प्लांट लेगा तो पचले और मर जाएगा जाके। तो इसलिए इसको रेस्पिरेशन मिलने के लिए 3-4 जगह बना हुआ है, तो जहां जहां जगह होता है वहीं से वो क्या कर लेता है अपना गैसेस, जो लिविंग गैसेस है उसको क्या कर लेता है, टेक कर लेता है और रिमूव कर देता है। समझे? चाहे CO2 की बात करो चाहे O2। ओके अच्छा, एक चीज है स्टेम में एक जगह है, कभी देखना आम का पेड़ देखे हो? यस सर। आम का पेड़ में ना कहीं कहीं जैसे खोखला टाइप का होता है, वो खोखला जो जगह है ना वहां से भी उसको जानते हो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लेंटिसेल्स। क्या बोलते हैं उसको? लेंटिसेल्स। वहां से भी बहुत ज्यादा एक्सचेंज होते हैं गैसेस के ट्रीज में, और कभी देखना ना अक्सर पेड़ों में लेंटिसेल्स मिलेंगे, आम के पेड़ों में बहुत क्लियर दिखता है, ठीक है, इस वजह से मैंने बताया। और भी पेड़ों में दिखेंगे लेकिन उतना क्लियर नहीं दिखेगा, पर आम में क्लियर कट दिख जाता है, साफ साफ गोल गोल दिखता है, लगेगा थक की तरह से मोहर लगाया हुआ है वैसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो अब रेस्पिरेशन एनिमल्स में हमारे पास टोटल कितने दो पार्ट में डिवाइड कर दिए जान मुझे, एक इधर वाला स्किन, दूसरा ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन का थोड़ा सा लॉन्ग है। ठीक है, हम पहले अमीबा की बात करते हैं। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेल्यूलर। कैसा है? यूनिसेल्यूलर। उसके पास टोटल एक ही सेल है, सांस लेने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, हर एक चीज के लिए एक सेल। तो उसको ज्यादा मशक्कत नहीं करने है, इसलिए ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है। समय अच्छा, अर्थवर्म कैसे लेता है? इसकी स्किन से। ठीक है, इंसेक्ट्स कैसे लेते हैं? तो ट्रेकिया, उनके बॉडी में पोर्स होते हैं, उन ट्रेकिया से वो ऑक्सीजन लेते हैं। और फिश कैसे लेते हैं? गिल्स। ठीक है, किससे लेते हैं? गिल्स से फिश ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 समय आया। तो ये थे रेस्पिरेशन एनिमल्स में अमीबा, अर्थवर्म और फिश। अब हम लोग पहुंचते हैं सबसे आखिरी टॉपिक पे रेस्पिरेशन के, वो कौन है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, देखिए हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी इन ह्यूमंस का। ठीक है, और इससे रेस्पिरेशन खत्म हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो होगा मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन होगा और सर्कुलेशन होगा, उसके बाद एक्सक्रीशन आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग का ये पूरा खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो अभी देखो रेस्पिरेटरी इन ह्यूमंस में यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया, रफ रफ टाइप का डायग्राम। ठीक है, अगर पेपर में आ जाए तो बनाओगे तो नंबर मिलेगा आपको, और उसके साथ मेन सीन है कि आपको उसका नेमिंग भी करना चाहिए। ठीक है, नेमिंग करोगे तो ही अच्छा नंबर मिलेगा। यहाँ पे कुछ ने मैं नोट कर दिया जिसके हिसाब से ये सब चलता है रेस्पिरेशन सिस्टम। पहले नोज है, नाक से हवा अंदर जाती है, फिर नेसल पैसेज से पास होते हुए, फिर ट्रकिया से होते हुए ब्रोंकी, फिर लंग्स तक पहुँचती है जिसको सपोर्ट करता है कौन? डायाफ्राम। और फिर यही चीज रिवर्स कंडीशन में भी होता है। ठीक है, वही चीज हम इसमें देखेंगे। देखो सबसे पहले गौर करोगे तो ये नोज देख रहे हो, नोज से जब एयर अंदर जाते हैं तो जो नोज के भी तो बोलते हैं तो दो होल होते हैं उसको नोस्ट्रिल बोलते हैं। ठीक है, तो नोस्ट्रिल से ये एयर जाती है और नोस्ट्रिल में हेयर होते हैं। हेयर क्यों होते हैं?
एयर इसलिए होते हैं ताकि वेस्ट मटेरियल, धूल, गंदगी, डस्ट पार्टिकल्स हमारे अंदर ना जा सके, इस वजह से हेयर, नोज हेयर कहते हैं उसको, ठीक है। नोज हेयर होता है, नॉस्ट्रिल से एयर होते हुए पास होते हुए नेसल पैसेज से फिर पास होते हुए, ठीक है, फैरिंग्स को कवर करते हुए पहुंचती है। पहुंचने के बाद देखो, ये देखो, ये है आपका फूड पाइप, क्या है, फूड पाइप, और ये है बेटा जिस जहां से पास होगी वहां पे ऊपर सा डब्बा टाइप लगा है, डब्बा टाइप का, इसको बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं इसको? लैरिंग्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? वॉइस बॉक्स का मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ चटर चटर, ये किसके वजह से बोल रहा हूँ? लैरिंग्स के वजह से, ठीक है, क्योंकि लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं, वहीं से वॉइस निकलती है। तो लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, फिर लैरिंग्स के अंदर से हवा पास होते हुए यहाँ निकलती है, इसको बोलते हुए ट्रैकिया। क्या बोलते हैं इसको? ट्रैकिया। ट्रैकिया में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसलिए होते हैं, कभी गौर करना, कभी गलती से अगर खाना हमारे विंड पाइप चला जाता है तो वो तुरंत खराश आने लगती है। फिर क्या होता है, ऐसे पीठ पे ठोकने पे, यानी पैसे ठोकने की वजह से क्या होता है कि इस विंड पाइप में जो छोटा छोटा होल होता है उसमें से वो खाना बाहर आ जाता है और फिर हम नॉर्मल से महसूस करने लगते हैं। नहीं तो अगर विंड पाइप में खाना चल जाता है तो बहुत लगता है कि जान निकल जाएगी, होता है ना, खांसने की वजह से। तो ये हो गया हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया में देखो रिंग रिंग टाइप का लगा हुआ है, ऐसे इसको बोलते हैं बेटा रिंग ऑफ कार्टिलेज। क्या बोलते हैं इसको? वो एक रिंग होता है जो ट्रैकिया को सिकुड़ने से क्या करता है? बचाता है। कभी गौर करना, जब आप मैंगो फ्रूटी का डब्बा पीते हो, जब पूरा खत्म करते हो तो डब्बा क्या हो जाता है? पचक जाता है। और अगर ऐसा जब हो जाएगा तो आप मर जाओ तुरंत। तो ऐसा होने से क्या करता है? ये रिंग ऑफ कार्टिलेज बचाता है हमारे विंड पाइप को, ठीक है। फिर यहां से एयर पास होते हुए ऑक्सीडेटेड एयर इधर लंग में दो पार्ट में लंग्स को डिवाइड किया है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में जब आओगे तो इसको बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? टहनी को, टहनी को बोलते हैं ब्रोंकस। और यहाँ पे छोटे छोटे टहनिया को बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स में देखो गोल गोल लगा हुआ है रुई की तरह, उसको बोलते हैं अल्वियोली। क्या बोलते हैं? अल्वियोली। क्या बोलते हैं? अल्वियोली। इसको बोलते हैं एयर सैक। एयर सैक का मतलब हवा रखने वाला बुढ़िया। सैक मतलब बुढ़िया, एयर मतलब हवा, हवा रखने वाला बुढ़िया। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो सारा सांस कहाँ जाता है? अल्वियोली में। और अल्वियोली से, ये अल्वियोली है और यहीं से नर्वस सिस्टम जाता है, नर्व्स। अब यहां से अल्वियोली में से जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ चला जाता है? नर्व्स में। और नर्व्स चला जाता है हमारे हार्ट में, और हार्ट से हम आगे सर्कुलेटरी सिस्टम आपको बताएंगे कि कैसे जो हार्ट, मतलब हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है। तो अभी समझो अल्वियोली तक, अल्वियोली कहां किससे अटैच होता है? नर्व्स से अटैच होता है, और वहां से वो ऑक्सीजन दे देता है और CO2 वापस नर्व से ले लेता है खून से, और उसको फिर उसी रिवर्स प्रक्रिया से होते हुए पहले अल्वियोली, फिर अल्वियोली से ब्रोंकियो, ब्रोंकियो से ब्रोंकस, उसके बाद यहां से विंड पाइप, ट्रैकिया से पास होते हुए लैरिंग्स, फिर फैरिंग्स और फिर नेसल पैसेज, और नॉस्ट्रिल से होते हुए हवा बाहर आती है जो कि CO2 होती है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है। एक चीज मेन ओवर डायफ्राम, जब भी हम सांस लेते हैं ना तो हमारा डायफ्राम क्या होता है? फैल जाता है। क्या होता है? मतलब नीचे चला जाता है जब हम सांस लेते हैं ना, तो डायफ्राम कहां आ जाता है? नीचे, ठीक है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम कहां जाता है? ऊपर, ऊपर। तो जब सांस लेते हैं ना उस समय हमारे लंग्स का स्पेस क्या कर देता है? डायफ्राम बढ़ा देता है, इसलिए छाती क्या हो जाती है? फूल जाती है, ठीक है। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या कर देता है? ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, इस वजह से छाती क्या होती है? पचक जाती है। समझ में आया? तो ये ना बेटा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन, ठीक है, अगर आया तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। समझ आया? नेक्स्ट है इसमें रेट ऑफ ब्रीदिंग। रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या है? कि हम सांस लेते हैं तो कैसे लेते हैं सांस? तो एक एडल्ट जो पर्सन होता है वो 15 से 18 बार एक मिनट में सांस लेता है और निकालता है, 15 से 18 बार, ठीक है, एक एवरेज कंडीशन। उसके बाद है कि सांस लेने से होता क्या है? सांस लेने से क्या प्रॉफिट होता है? सांस लेने से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, पता है ना, और हमको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, जब एक बार ऑक्सीजन अंदर चला जाता है,
हमारे अंदर लंग्स में से, फिर अल्वियोली में से, फिर नसों में, तो आखिर ऑक्सीजन बॉडी के अंदर कैसे जाता है, बॉडी के अंदर हमारे शरीर के कोने कोने में कैसे पहुंचता है? तो वो पहुंचता है ब्लड के थ्रू। अब ब्लड में भी एक बहुत ही स्पेशल आइटम है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। क्या नाम है? हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन जब शरीर में ज्यादा होता है और आप ऑक्सीजन लोगे तो आप हमेशा फुर्तीले, चुस्त दुरुस्त, दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है हम लोग का, ठीक है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो हम जैसे कि आराम से ऐसे बैठे रहते हैं, पीछे ऐसे झुक के गर्दन, और उसके बाद फिर ऐसे करके हाथ लगाते हैं, उसके बाद ऐसे करते हैं, ठीक है, उसके बाद ऐसे करते हैं, ठीक है, और फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग चाहे तो, मतलब इस तरह की जो चीजें होती है वो होती रहती है, क्लियर। तो ये था बेटा हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल, चाहे यूनिसेलुलर, चाहे मल्टीसेलुलर। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे सर्कुलेशन एक्सक्रेशन के साथ।